इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में हैदराबादी नक्सल की दो बकरियां चोरी हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में दो लोग बकरी चुराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के सदर बाजार पुलिस थाने क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले फरियादी जाहिर खान ने बताया कि वह जूना रिसाला इलाके में रहता है। 4 अक्टूबर को अल सुबह 4 से 5 बजे के करीब इलाके में रहने वाले दो अज्ञात चोर उसके घर से हैदराबादी नक्सल की दो बकरी चोरी कर ले गए। कई घंटे तक इलाके में ढूंढने के बाद भी बकरी नहीं मिलने पर फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत आवेदन दिया। फरियादी को इलाके में रहने वाले कुछ व्यक्तियों पर शक है, जो पिछले कई दिनों से उसके घर की रेकी कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि हैदराबादी नक्सल की यह दो बकरी है, जिसकी कीमत 40,000 रुपये बताई जा रही है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। भाई जाहिर खान पिता सलीम खान ने थाने में अभी शिकायत की है कि रात को उन्हें अपने घर के सामने उसकी दो बकरियां बंधी थी। वो बकरियां जो है सुबह उसने देखा तो बकरियां नहीं थी, तो कोई अज्ञात चोर उसको चोरी करके ले गए। उसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं। अभी मामला उसमें कायम करके विवेचना में लिया गया है। जो बकरी ले जाने वाले चोर हैं उनको सरगर्मी से उनकी तलाश की जा रही है। क्या तरीका था, कहाँ से ले गए घर के अंदर बाहर क्या कुछ करना है? ये घर के सामने बंदी थी, वहाँ पर घर के सामने से जो है खोल के उसको ले गए हैं। उसका फुट ये रात को, मतलब एग्जैक्ट घटना अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि रात को करीब 11:45 बजे उसने बकरियाँ देखी थी और इसका फुटेज मिला है। अभी इसको स्टडी कर रहे हैं और इनकी चोरों की पहचान कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है वो नस्ल की? हाँ, वो लंबे कान वाली जो नस्ल है अपने इधर जनरली देखने में नहीं आती। लंबे कान वाली जो नस्ल है और उसकी आंखें भी सफ़ेद है, हैदराबादी नस्ल कहलाती है ये लोग। कितने की कीमत होगी ये? करीब जो फरियादी से बातचीत हुई, फरियादी ने करीब 80,000 बताया है। फरियादी की सर शंका है कि आसपास के रहने वाले किसी व्यक्ति ने चोरी की? अभी उसकी प्रॉपर पहचान नहीं हो रही, हम लोग लगातार पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिलेगी।